राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे, इससे आपको फायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स एंड एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी क्या फीलिंग है, और उन मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है, सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव द सन एंड टेन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफिकेशन होंगी। यूनिवर्स प्लीज सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। डेथ एंड यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज टेन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वेंट्स, हो सकता है आपको नाइन की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। प्लीज़ टू ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट एंड हाई प्रिस्टेस फोर ऑफ वेंट्स। तीनों एक्सप्लेन करूँगी, पहले कार्ड्स में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड जो आया था सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स उसका क्लैरिफिकेशन डेथ। इनका जो कन्फ्यूजन था आपको लेके, या थर्ड पार्टी को लेके किसी भी चीज़ में, या फाइनेंशियली, या जॉब बिजनेस, जो भी कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन खत्म हुआ है। अगर थर्ड पार्टी आपकी जैसा बनने की कोशिश कर रही थी, अच्छा दिखने की कोशिश कर रही थी, तो इनका वो कन्फ्यूजन खत्म हुआ। इनको समझ आया ये तो ऐसी ही है या ऐसा है, ये बस परेशान करना है इसको। ये ऊपर से अच्छा दिखने का कोशिश करता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। और अगर आपको लेके कंफ्यूजन था कि पता नहीं, मतलब आपको जो इनके सामने गलत रिप्रेजेंट कर दिया गया था, तो इन्हें लगने लगा था कि शायद कुछ कमियां आपसे भी हुई होंगी, इन्हें ऐसा लगने लगा था। लेकिन वो इल्यूज़न अब इनका ख़त्म हुआ है। अब इन्हें समझ आएगा कि नहीं, आप जैसा सच्चा तो इनकी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता, आप जैसा प्यार तो इनको कोई दे ही नहीं सकता। तो ये हर तरीके से हर एरिया में इनको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, थर्ड पार्टी की क्लैरिटी भी। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जिन वजह से, जिन सिचुएशन की वजह से, जिन लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, आप दूर हुए, तो उन लोगों की, उन सिचुएशंस की क्लैरिटी इनको मिली है। उन लोगों की सच्चाई समझ आई कि इन लोगों ने कौन सा गेम खेला है आपको दूर करने में। वो सिचुएशन की, उन सिचुएशन को ये किस और तरीके से हैंडल कर सकते थे, तो वो सिचुएशन भी हैंडल हो जाती और आप भी इनकी ज़िंदगी में रहते। तो ये सारी चीज़ें इनको समझ आई हैं इनको, और ये समझ आना बहुत ज़रूरी होता है, ये समझ आना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक, मैंने पता नहीं क्यों बोलती, क्यों जुबान से निकला है। नेक्स्ट यहाँ कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यानी जब इनको क्लैरिटी मिली ना, क्लैरिटी इसी बात की मिली है। या तो हो सकता है आप में से कोई व्यूअर अगर ये प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को थर्ड पार्टी की सच्चाई दिखाई है, तो ईश्वर ने आपकी प्रे एक्सेप्ट की है और वो कर दिया है। ईश्वर ने थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने ला दी है, उन लोगों की सच्चाई सामने ला दी है जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब किया, और आपकी सच्चाई भी ईश्वर ने सामने ला दी है कि आपने इनको कितना प्यार दिया है, आप कितने सच्चे हो। आपने इनसे कुछ चाहा नहीं, लेकिन इन्हें दिया बहुत कुछ है। तो ये क्लैरिटी भी इनको मिल चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है द सन। जब इन्हें ये क्लैरिटी मिली है, ये क्लैरिटी यानी आपके लिए लव की एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों आए हैं, तभी आए हैं जब इनको क्लैरिटी मिली, जब इनको ये समझ आया कि जिनको इन्होंने चूज़ कर लिया वो कितने गलत हैं, और आपको जो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको अवॉइड किया, तो आप कितने सच्चे थे। इन्होंने हीरे को अवॉइड किया और कंकड़ों को अपनी जोली में भर लिया। ये इनकी क्या कहूँ अब मैं इस ना समझी को, ये इनकी अवेकनिंग हुई है, इन्हें समझ आया कि इन्होंने क्या खोया क्या पाया है। इसी वजह से ये आपसे बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेके,
और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से संवारना चाहते हैं। ये अब आपकी तरफ आएंगे तो ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, आपका पर्सन बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा। आपका पर्सन अब पता है कैसा होगा, आप जो कहोगे वही उसके लिए सच होगा। आपका पर्सन किसी और की बात नहीं सुनने वाला, जो आपने कह दिया वो अपने हर डिसीजन में आपका व्यू लेना ज़रूरी समझेगा। अभी तक उस आपके पर्सन को ये लगता था कि वो बहुत स्मार्ट है, उसको चीज़ें ज़्यादा पता हैं, इस संसार में कैसे काम करना है, इस दुनिया में वो मुझे ज़्यादा पता है। आप अभी आपको भी कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन अब इनको ये समझ आ गया है कि ये तो फेल हो गए आपके आगे। आपको जो आता है वो ये कभी नहीं समझ सकते। इन्हें ये लग रहा है कि जो आपकी अवेकनिंग हुई, जो आप सेंस कर पाते हो, ये तो कभी इस सेंस को ये कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, इन्हें ऐसा लगने लगा है। इसीलिए आपके लिए बहुत, आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपके आपके आपसे मतलब एक वो लवर्स वाली जो एनर्जी है, जो क्लोज कनेक्शन वाली जो एनर्जी हुई, वो ये फील करते हैं। बहुत बहुत दया भी आती है इन्हें, ये इन्हें ऐसा लगता है कि कितना गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ। रोमांस की भी एनर्जी, रोमांस एनर्जी इनको फील हो रहा है कि आपके साथ डेट पे जाएं, आपसे बातें करें, घूमें फिरें, ये सारी बातें ये फील कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनके सामने सच्चाई आ गई है। भगवान ने इनके सामने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, इसलिए इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जब आएंगे तो बदल के आएंगे पूरी तरह से, ये पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहने वाले। पहले जो आपको नहीं समझना, लेकिन अब ये आपको सही से समझेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आया था वो आया था नाइन ऑफ सोर्स, और उसका क्लैरिफिकेशन भी नाइन ऑफ सोर्स। अगर आपको नाइन की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो रही है, नाइन अगर किसी भी नंबर के साथ आपको दिख रहा है, अगर डबल नाइन दिख रहा है अगर आपको, और फिर नाइन किसी और नंबर के साथ भी दिख रहा है, नाइन बार बार आपके सामने आ रहा है, तो फिर ये इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर है। आपकी जर्नी का एक पड़ाव कंप्लीशन की ओर है, और हो सकता है अगर आपने मुझे यहाँ क्लाइमेक्स तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन कम्प्लीटली आपकी तरफ आने वाले हैं। ये क्लाइमेक्स ही हुआ, यानी क्लाइमेक्स का मीनिंग है कि जब पर्सन ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आपको तो अब ट्रांसफॉर्म ही चाहिए कि जैसे मैं इनको पहचानता हूँ तो अब ये भी मुझे पहचाने। अब पहले वाला वो साइकिल आपको नहीं चाहिए, आप वो साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते, उस दर्द में दोबारा नहीं जाना चाहते। तो ये ज़रूर जिनको नाइन की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, और अगर आप पिक कर पा रहे हो, आपको किसी बात पे पछतावा हो रहा है, आपके मन में रिग्रेट वाले थॉट्स आ रहे हैं, तो ज़रूरी आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में, नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी में। इनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि आप नहीं हो। एक तराजू के एक पलड़े में आपको बढ़ा दिया जाए और एक में दुनिया भर की संपत्ति रख दी जाए, और इनसे कह दिया जाए ये जो पलड़ा है दुनिया भर की संपत्ति वाला, ये तुम ले जाओ, लेकिन तुम इस पलड़े को नहीं ले जा सकते जिसमें ये पर्सन बैठा है, तो ये उस पलड़े को अब हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इस एनर्जी में आ चुके हैं, ये पश्चाताप की एनर्जी में आ चुके हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो ये उस पलड़े को हाथ नहीं लगाएंगे जिसपे दुनिया भर की संपत्ति है। ये कहेंगे कि जब मुझे ये वाला पलड़ा नहीं मिल सकता जिसमें मेरा पर्सन है, तो फिर ये भी नहीं चाहिए, फिर तो मैं अकेला ही सही, फिर तो मैं जी लूँगा जैसे मुझे जीना है। इस एनर्जी में ये आ चुके हैं, पूरी तरह से पछता रहे हैं, और इन्हें मतलब चोट खाई है इन्होंने बहुत, इनके दिल में इन्हें ये भी लग रहा है कि कितनी चोट इन्होंने आपको दी, आपके दिल पे कितने कुठाराघात हुए, और वो इतना आपका नाजुक सा दिल, आपका इतना प्यारा दिल जो सिर्फ इन्हें चाहता था, ये इतने बड़े बड़े कुठाराघात कैसे सह गया, इतनी बड़ी बड़ी चोट आपका दिल सह कैसे गया। आपकी जगह ये होते तो शायद दुनिया छोड़ देते, ये फील कर रहे हैं, आपकी जगह ये होते तो दुनिया छोड़ देते। आपने कैसे जी ली ये ज़िंदगी, जो ज़िंदगी आपको मिली है, और उसमें भी ये आपके साथ नहीं, ये साथ होके भी आपके साथ नहीं, और आप दूर होके भी इनके साथ रहे, ये बात इनको समझ आई, इसीलिए सिर धुन के सिर पकड़ के पछता रहे हैं कि क्या हो गया, ये मुझसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई। और अब आप जद्दोजहद कर रहे हैं अपने इस रिग्रेट की एनर्जी से निकल, ये पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बस हमने विचारों से कर लिया, पश्चाताप ये भी होता है कि हम कुछ करें। सनातन में तो ये होता है कि अगर पश्चाताप हो रहा है, हमसे कोई गलती हो गई, तो उसका कोई प्राश्चित होता है कि ये व्रत करो, ये पूजा करो, या फिर ऐसा करो, ये दान करो, या फिर अपने को ये इस अनुशासन में डालो, तो ऐसा कुछ ये कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि मैंने अपने पर्सन को इतना दर्द दिया है, इतना उसको मतलब फॉर ग्रांटेड लिया है, इतना उसको अंडर एस्टिमेट किया है, तो ये अब मुझे इसका प्राश्चित करना पड़ेगा। जब तक मैं प्राश्चित नहीं करूँगी तब तक मेरी आत्मा मुझे माफ़ नहीं करेगी, ये आपके पर्सन कह रहे हैं। इनकी आत्मा इन्हें सच में माफ़ नहीं करेगी अगर इन्होंने प्राश्चित नहीं किया, और ये प्राश्चित ज़रूर 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 करेंगे। ये हर वो काम करेंगे जो आपको पसंद था, ये वो कोई काम नहीं करेंगे जो आपको कभी पसंद नहीं था। टेन ऑफ वैंड्स, पछतावा भी है, बोझ भी है,
पछतावा जो रिग्रेट होता है वो बोझ तो बन ही जाता है। एक रिग्रेट की एनर्जी, हमेशा गिल्ट में रहना और गिल्ट में रह के काम करना, तो ज़िंदगी बोझ तो बनी जाती है। तो इनकी ज़िंदगी अगर अभी बोझ नहीं बनी है तो बनने वाली है। इनके सामने ये एनर्जी अगर आपसे आज रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये करेगी ज़रूर आपसे, कभी ना आने वाले टाइम में रेजोनेट ज़रूर करेगी। जब आप दुनिया से डिटैच हो जाओगे, आप ये सोच लोगे कि मुझे ईश्वर चाहिए, जब आप ईश्वर पे फोकस हो जाओगे तब ये एनर्जी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। आप ये कहोगे जब संसार में सुख है ही नहीं तो फिर सुख मुझे पाना ही नहीं, मुझे तो ईश्वर को पाना है, तब ये इस एनर्जी में आएंगे, तब ये रिग्रेट की एनर्जी में आएंगे। और जो इस एनर्जी में आ चुके हैं उनसे ये रीडिंग अभी भी रेजोनेट कर रही होगी। और यही बोझ है इनकी ज़िंदगी का कि इनके दिल पे ये बोझ है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो वो बोझ रहता है कि अब इतनी बड़ी हमसे गलती कैसे हो गई। उस बोझ की वजह से इन्हें कुछ और देखना ही नहीं है, बस इन्हें उसी बोझ से निकलना है। और उस बोझ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि ये अपनी आत्मा की सुने, इनकी आत्मा इनसे क्या कह रही है। ये अब दूसरों की नहीं सुन रहे, दूसरों के सुन के ही तो ये टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में गए हैं, दूसरों के सुन के ही गए हैं। दूसरों ने कह दिया कि भाई, दूसरों ने आपको अच्छा बता दिया तो इन्हें लगा कि हाँ, दूसरा क्या, इनके फैमिली मेंबर ही अगर कहते होंगे कि आपके बारे में अगर कह दिया कि इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये इस तरीके से बात करती है, बात करता है, या फिर आपकी कोई किसी भी आदत को गलत बता दिया, तो इन्होंने भी उस बात को नोटिस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फैमिली मेंबर से किसी ने इनको समझाया। इन्होंने अपना वहाँ लॉजिक नहीं लगाया, सब जगह अपना लॉजिक लगाया लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका अपना लॉजिक नहीं लगाया। इसी बात का इन्हें पछतावा है, इसी बात के लिए, यही बात इनके दिल पे बोझ बनी है कि मैंने दुनिया के लिए मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, लगाती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं सबको अच्छे समझता हूँ, मैंने मेरे पर्सन को नहीं समझा। सबको समझा मैंने से, लेकिन सिर्फ मेरे पर्सन को नहीं समझा। अपने पर्सन को समझने के लिए मैंने दुनिया की बातें क्यों सुनी, लोगों की बातों में मैंने विश्वास क्यों किया। इसीलिए अभी दुनिया में किसी की बातें नहीं सुन रहे, किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी फ्रेंड की, किसी की बातें इनको नहीं सुननी है। ये सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए। आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जो हो, इनका इनका गोल हो, इनका 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 लक्ष्य आप हो, इनका एम आप हो, इन्हें आपसे मिलना है। एनी हाउ आप इन्हें वो प्रायश्चित करना है जिस प्रायश्चित से इनकी आत्मा इन्हें माफ़ कर सके, इनकी आत्मा ये कह सके हाँ चलो अब ठीक है, तुमने जिस लेवल का अपने पर्सन को पेन दिया, जिस सच्चे इंसान को, अपना पर्सन छोड़ो, अगर इस बात को छोड़ दिया जाए, इनकी आत्मा इनसे ये जुड़ रही है कि इतना प्यारा इंसान, इतना सच्चा इंसान ईश्वर ने बनाया था, इन्होंने उसी इंसान की कदर नहीं की। आपके साथ बेवफाई करके, आपको परेशान करके, आपको दर्द देके, इन्होंने ईश्वर के सबसे सच्चे इंसान को दर्द दिया है, तो माफ़ तो इन्हें ईश्वर ही नहीं करेंगे। आप क्या माफ़ करोगे, आप तो एक बार माफ़ कर भी दोगे, आप तो सोचोगे कोई बात नहीं, आप तो इस एनर्जी में हो कि चलो सबको ईश्वर ने बनाया है, मेरे लिए तो सब ईश्वर के बंदे हैं, तो आप तो माफ़ कर भी दोगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ईश्वर खुद मुझे माफ़ नहीं करेंगे, ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करने वाले, अगर मैंने ईश्वर की नज़रों में माफ़ी नहीं मांगी, या फिर आपके कदमों में गिर के आपसे माफ़ी नहीं मांगी, तो ईश्वर इन्हें माफ़ नहीं करने वाले, ये इनको एहसास है। क्योंकि आपको दिल देखे वर्ड निकला है, तो ज़रूर ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। इन्हें ये एहसास है कि आपको दर्द देके इन्होंने ईश्वर को दर्द दिया है, और ईश्वर इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और ईश्वर की माफ़ी आसान नहीं होती, ईश्वर की माफ़ी पाने के लिए कोई बड़ा प्रायश्चित करना होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, मुझे और क्या करते हुए दिख रहे हैं, आप इसे निगेटिव व्यू में मत ले जाना। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अभी तक इन्होंने आपको साइड किया, आप साइड पर्सन बन के रहे। एक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब वो उनमें कनेक्शन बहुत होता है, लेकिन सोसाइटी उनको वैल्यू नहीं देती है। लव उनमें सबसे ज़्यादा होता है लेकिन सोसाइटी वैल्यू नहीं देती है। और मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं शिव शक्ति और सोलमेट और पास्ट लाइफ जो ट्रू लवर्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वरना आजकल मूवीज़ में दिखा गई तो लव तो बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया। लव की तो डेफिनेशन ही बदल दी गई है, लव मीनिंग सिर्फ अट्रैक्शन रह गया है, जबकि लव मीनिंग वो है जो राधा कृष्ण का था, जो सीता राम जी का था, शिव शक्ति का था। हकीकत में लव वो है जिसमें पाना कुछ है ही नहीं, जिसमें आत्मा और आत्मा का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन है, हकीकत में वो लव है। ये उसी लव को फील कर पा रहे हैं, ये उसी लव को सेंस कर पा रहे हैं, इसीलिए इन्हें ये एहसास है कि अब इन्हें सोसाइटी में, इन्हें हर जगह आपको सम्मान दिलाना है। और वो सम्मान कैसे मिलेगा, जब ये पब्लिकली आपका नाम अपने साथ जोड़ेंगे, पब्लिक में जाके ये कहेंगे, फैमिली में जाके ये कहेंगे कि मेरी नज़र में अगर कोई वैल्यूबल है, मेरा कोई लाइफ पार्टनर है तो वो ये है, मेरे जीवन में किसी की एंट्री अगर हो सकती है तो फिर इस पर्सन की हो सकती है, मेरा प्यार अगर कोई डिजर्व करता है तो फिर ये पर्सन डिजर्व करता है, मेरे साथ अगर जीवन भर रहने का किसी को अधिकार है तो फिर इस पर्सन को है।
ये एनर्जी इनकी है, इन्हें ये लगता है कि जब तक ये आपको अपना अधिकार ना दे दें, अपना नाम ना दे दें, अपना अपना सब कुछ सरेंडर ना कर दें आपके आगे, तब तक इनकी सोल इन्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आपने बहुत इनके लिए किया है। मैं पैसे की ही बात नहीं कर रही हूँ, अफर्ट्स की बात कर रही हूँ, रिश्तों को निभाने की बात कर रही हूँ, पेशेंस की बात कर रही हूँ, इंतज़ार की बात कर रही हूँ, तड़प की बात कर रही हूँ। वो जो आपने सही, वो इन्होंने कभी नहीं सही। आप इनके लिए हर टाइम अवेलेबल रहे और ये आपके लिए जब आपको ज़रूरत हुई तभी आपसे ज़्यादा दूर हुए, चाहे जानबूझ के हुए चाहे मजबूरी में हुए। इसलिए इन्हें ये एहसास है कि आपको सम्मान दिलाने का तरीका सिर्फ इतना है कि ये आपके आगे झुक जाएं, और ये पब्लिकली झुकें, कहीं अकेले में नहीं, पब्लिकली समाज के सामने। ये दुनिया अगर इनको गलत कहे कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया, तुमने कास्ट फैक्टर और रिलीजन फैक्टर सब त्याग दिया और कैसे इस पर्सन को अपना लिया, तुमने फैमिली की भी नहीं सुनी, तो ये कह रहे हैं कि अगर लोग मुझे ताने देंगे तो वो मेरा प्राश्चित ही होगा, लोग मुझे गलत कहेंगे तो वो मेरा प्राश्चित ही होगा, मुझे अपने पर्सन के लिए ये सब करना होगा। तो अगर आप मैरिज की दहलीज पे हैं तो मुझे आपके पर्सन की यहाँ मैरिज, आपसे मैरिज होते हुए फील हो रही है या दिख रही है। मुझे आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपसे मैरिज के थॉट चल रहे हैं, जैसा आप कमिटमेंट चाहते हो वैसे कमिटमेंट के थॉट चल रहे हैं। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप अगर आपकी कंट्री भी अलग अलग है, तो फिर ये आपसे आके मिलेंगे और बहुत स्मार्ट हो गए हैं ये, अभी किसी को बताएंगे नहीं। मुझे लगता है ये आपको आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इसीलिए आपको बता नहीं रहे हैं, कोई क्लू आपको नहीं दे रहे हैं, चुप हैं ये, क्योंकि ये डिसीज़न लिए बैठे हैं कि मुझे तो एट लास्ट, क्योंकि इन्हें ये पता है कि आपने, आप अगर दूर हुए ना इनकी गलतियों की वजह से दूर हुए, लेकिन आज भी आपने किसी और को पसंद नहीं किया है, आपने ये सोच लिया कि अब ज़िंदगी में मुझे प्यार करना ही नहीं है, आपने इस रिश्ते में इतने एफर्ट डाले उसके बाद भी आप अकेले रह गए, तो आपने सोचा कि जब इतने एफर्ट डालने के बाद अकेला रहना है, जब ये बंदा मेरा ना हुआ तो फिर दुनिया में ज़रूरी है कि अगले बंदे पे हम मैंने एफर्ट डाले तो क्या वो मेरा हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी कि अगला बंदा भी मेरा हो जाएगा। तो मुझे अब प्यार पे तो एफर्ट डालना ही नहीं है, अब बेटर ये हो कि एफर्ट डालो तो इस पे डालो कि दुनिया का मोह मेरे अंदर रहे ही नहीं। इस एनर्जी में अगर आप आ गए हो तो आपके पर्सन भी इस एनर्जी में है कि ये मानते हैं कि आपको अब तोड़ना आसान नहीं है, आपको अब इमोशनल करना आसान नहीं है, अब आपके आपके लिए इन्हें बड़े स्मार्टली, ये मतलब ये ऐसा सोचा कि एकदम से सामने जाके आपके लिए कुछ किया जाए, ये बड़े छुपा रुस्तम होके जो भी काम कर रहे हैं चुपके से आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपको सरप्राइज दे सकें, और इस तरीके से सरप्राइज देंगे कि आप ना ना कह सको, आप ना ना कह सको, इन्हें माफ़ कर ही दो, इस तरीके का ये करेंगे। कोई बहुत बड़ा करने का इन्होंने प्लान कर रखा है, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट, मतलब लाइफ टाइम साथ रहने का, लाइफ टाइम कॉन्टेक्ट में रहने का, या फिर शादी का कोई बड़ा कमिटमेंट देने का, कोई बड़ा करने का इन्होंने प्लान कर रखा है। थोड़ा सा मोनोलॉजी से और मैं देख लेती हूँ इनके क्या इमोशंस हैं आपके लिए। तो इनके इमोशंस आपके लिए हैं, और शो द वर्ल्ड द रियल यू, इनके इमोशंस हैं कि इन्हें आपकी वैल्यू समझ आई, इन्हें ये समझ आ गया कि आप कोई न्यू रो, बाकी इन्होंने जो अपनी झोली में अपने पिटारे में भर रखे हैं वो सब रास्ते में पड़े हुए कंकड़ हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो रही है, द सन का कार्ड भी आ चुका है, ये यहाँ पे न्यू बिगनिंग का मतलब है कि रिश्ता जहाँ से खत्म हुआ था ना वहीं से फिर से शुरू होगा, फिर से बबल फेस आएगा और हमेशा के लिए आएगा, अब ये बबल फेस कभी खत्म नहीं होगा। सरेंडर टू डिवाइन, इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, इन्होंने ईश्वर से कह दिया कि ईश्वर आप ही संभालोगे, इनकी बस की बात नहीं ना करना, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी गलतियाँ कर दी ना, तो ये कह रहे हैं ईश्वर अब आप ही मेरा रिश्ता संभालो। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी अभी तक ये बहुत प्रैक्टिकल थे, मटेरियल वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब इन्हें समझ आया कि आप ना आप मटेरियलिस्टिक इतने नहीं रहे, आपने लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, मेडिटेशन वगैरह किए हैं, तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, आप कितने पावरफुल हो गए, आप कितना सेंस करने लगे हो चीज़ों को, और ये हैं कि ये मटेरियलिस्टिक होकर केवल मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को ही जानते हैं, सूक्ष्म जगत में क्या होता है वो चीज़ें ये नहीं सेंस कर पाते हैं, तो इसीलिए ये अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये मेडिटेशन वगैरह ये मुझे करते हुए देख रहे हैं, हो सकता है योग प्राणायाम ये कर रहे होंगे। और मैं यहाँ देख लेती हूँ इनके इनके माइंड में आपके लिए और क्या चल रहा है, और इनके क्या थॉट हैं आपके लिए। यहाँ पे नॉक नॉक, आपके दिल की बात जानना चाहते हैं ये, आप कहते हैं ना कि दूर भले ही हैं ये, कुछ भी कर रहे हों लेकिन दिमाग ये लगा हुआ है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल की बात इसलिए जानना चाहते हैं कि आपके दिल में जो चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन ले सकें, कि ज़रा से भी गुंजाइश मिले माफ़ी मिलने की तो तुरंत चल पड़े, तो ये आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। पे टाइम, इन्हें पता है कि इनके टाइम ना देने की वजह से, इनके ओवर बिजी रहने की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। भाई एक इंसान इंतजार कर रहा है, तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में लगे हुए हो, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने को किसने मना किया है, हाँ बस आपने इतना कर दिया कि भाई तुम बिजी हो तो चलो ठीक है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ। इस ज़िंदगी में कभी फ्री हो जाओगे,
तो आ जाना, मैं वेलकम के लिए रेडी हूँ। और अगर इस ज़िंदगी में फ्री ना हो तो देखेंगे, फिर अगला जन्म कभी कहीं कुछ होगा तो देखा जाएगा। आपने इस लिमिट पे जाके इनको फ्री कर दिया और इनको ये समझ आया कि मैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको टाइम ना देके। नेक्स्ट यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेसेस, हो सकता है इनका रेजिडेंस चेंज हो, ये आपके प्लेस में आपके रेजिडेंस में रहने, रेजिडेंस का मतलब है जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ ये रहने आ जाएं, या आपका प्लेस चेंज हो जाए, आप इनकी जगह पे रहने चले जाओ। डिवाइन कुछ भी करेंगे, कुछ चेंज कर रहे हैं, या एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है इनकी एनर्जी, जो इनका पैटर्न था वो सब बदल रहा है। अवेकनिंग यानी इनके सामने क्लैरिटी आई हुई है। लेट गो फॉल्स ईगो, अब टूटा इनका ईगो, आपने ना इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपने पर काम किया, खुद को इतना मजबूत बनाया आपने, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इस तरह से आपने होल्ड करके रखा कि इनके पास फिर मैस्कुलिन एनर्जी है, जो मैस्कुलिन का जो वो ईगो होता है ना, आई एम द मैस्कुलिन, वो टूट गया इनका। अब इनका ईगो, इनको इन्हें ही लगता था, हर किसी ने इनको पैम्पर किया ना, हर किसी ने इनकी तारीफ की, अरे सर, अरे वो आप जो करोगे वो आपके समान तो कोई हो ही सकता, हर किसी ने इनसे राय मशवरा लिया, तो इन्हें ये लगने लगा कि बस मैं ही सही बोलता हूँ, सही करता हूँ, मैं ही सबको गाइड करता हूँ, मेरा गाइडेंस में जो चलता है वो कामयाब होता है, मैं ही, इनको ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो आपने तोड़ दिया। आपने कैसे तोड़ा कि ठीक है तुम जाओ अपने रास्ते, आपने इनको और ज़्यादा कुछ कहा नहीं, हो सकता है कह भी दिया हो तो उस टाइम पे इन्होंने आपको भले ही जरा समझा हो कि ये तो इतने, क्योंकि उस टाइम तो ये ईगोइस्टिक थे, इनके अंदर ईगो था, तब तो इन्हें लग रहा था कि आप गलत बोल रहे हो, ये दुनिया इनको इतना फॉलो करती, दुनिया इनके इतने गाइडेंस पे चलती और आप इन्हें कुछ नहीं समझते हो, तो उस टाइम तो इनका होगा। लेकिन जब इनकी अवेकनिंग हुई, जब डिवाइन ने इनके सामने क्लैरिटी लाई कि तुम जिनको वैल्यू दे रहे हो वो क्या है और जिसको वैल्यू नहीं दे रहे हो हकीकत में वो क्या है, वो कोहिनूर है, तब जाके इनका ईगो टूटा और आपने अपने आप को जो संभाला है, आपने अपने आप पर जो वर्क किया है, वर्क का मतलब है कि भाई अब संसार में अब और ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, इस ये किराए का घर है, बस किराए के घर तक ही मतलब रखो, बाकी हमारा परमानेंट घर तो हमारे ईश्वर का घर है, हमें वहाँ जाना है। जब आप इस तरफ चले हो तब इनका ईगो टूटा, क्योंकि जो ईश्वर की तरफ चल देता है ना, फिर कोई संसार का मोह उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। अब इनका मोह, इनका अट्रैक्शन, इनकी हर चीज़, भले ही आपके ट्विन क्यों ना हो, भले ही आपके सोलमेट क्यों ना हो, या आपके ट्रू लव पास्ट लाइफ कनेक्टेड क्यों ना हो ये आपसे, उसके बाद भी ये आपको आप अब नहीं खींच पा रहे हैं, इसी वजह से इनका ईगो टूटा है। क्योंकि क्यों नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि आप ना ईश्वर को सरेंडर हो गए हो, जो ईश्वर का होना हो जाता है ना, ईश्वर जिसको अपना लेते हैं, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसका हाथ ईश्वर ने पकड़ा होगा, भला फिर दुनिया की कोई ताकत उसका हाथ कैसे पकड़ सकती है, तो इसी वजह से इनका ईगो टूटा है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, और आपको अगर मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए और गाइडेंस के लिए, कुंडली दिखाना चाहें तो उसके लिए भी, और ड्रीम रिकॉर्ड कराना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं समझूंगी कि इस पे वीडियो अपलोड करके आपकी हेल्प की जाए। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम होगी जो सब कई लोगों को मुझे फील होगी तो फिर मैं उसे वीडियो अपलोड करके आपकी हेल्प करूँगी, अदरवाइज आपके कमेंट का, आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी हर सदिच्छा ज़रूर पूरी हो, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो, आपका ये जीवन सार्थक हो, आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में आपको सफलताएँ मिलें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।